स्वागत है दोस्तों, आप लोगों को शायद याद होगा इस सीज़न में हमने इसका रिपोर्टिंग किया था और रॉक भी बहुत ही बढ़िया है और उसके साथ ही अच्छे से अटैच हुआ था, इसलिए मैंने उसको फिर से प्लास्टिक से वर्प नहीं किया है और किसी भी रूट में डैमेज नहीं दिख रहा है। और ये मैंने इसलिए किया है दोस्तों कि नेचर में हमने देखा है कि दीवारों पर इस तरह का फाइकस लगते हैं और उसके रूट एक्सपोज होते हैं, शायद इसलिए वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके रूट भी एक्सपोज रखे जाए। तो ये मुझे लगता है हवा से या मॉइस्चर से भी कुछ न्यूट्रिशन लेके ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता होगा और उसका रिजल्ट भी है। हमने वेल्डेंट सोइल दिया था तो ये देखिए कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है ये। और एक टिप्स है कि अगर प्लांट को आप वाइगरली ग्रो करना चाहते हैं बहुत ही स्पीड में, तो उसका ट्रिमिंग रोक दीजिए, उसको जैसे ग्रो हो रहा है ऐसे ही ग्रो होने दीजिए, जिससे क्या होगा कि उसकी थिकनेस देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये जल्दी से बढ़ेगा और जल्दी से वर्प कर लेगा ये रॉक को। और जितना जल्दी आप उसको बढ़ने देंगे उतना ही जल्दी ये उसका रूट्स भी बड़े होंगे और ये जल्दी से जल्दी ये रॉक को जल्दी से अच्छे से कवर करेगा। तो मैं इस बार इसका ट्रिमिंग नहीं करने वाला हूँ, केवल मैं जहाँ डाईबैक हुआ है या जो बैक बड्स बचे हैं यानी हम ट्रिमिंग करते हैं तो यहाँ देखिए इस तरह का जो स्टेम बच जाता है। जब हमने ट्रिमिंग किया था तो इतनी साइज़ देखिए कितनी थी, लगभग 3 mm की थी और ये अब इससे डबल 6-7 mm का हो चुका है। तो यहाँ से हम उसको ट्रिमिंग करके उसको सुधार सकते हैं। इसके लिए क्लोब या कॉनकेव कटर हो तो ठीक है, अभी ये मेरे पास है तो मैं उससे काम चला रहा हूँ। तो इसी तरह का ट्रिमिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ भी देखिए जब हमने ट्रिमिंग किया था 2.5 mm का था, अब ये 3.5 या 4 mm का हो चुका है, यहाँ कुछ डाईबैक नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप ट्रिमिंग करते रहें। तो यहाँ अगर हमने ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो एक क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं। अगर हमने यहाँ जो ड्राई या जो भी ब्रांच थी उसको ट्रिमिंग नहीं किया तो यहाँ बल्ब बनने लगता है, यानी यहाँ मोटा हो जाएगा, रिवर्स टेपर आने लगेगा, इसलिए यहाँ फिनिशिंग करना ज़रूरी है। और अब मैं उसमें कोई ट्रिमिंग नहीं करने वाला, जैसे ग्रो हो रहा है ऐसे ही ग्रो होने दूंगा। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही जल्दी मोटा होगा और ये इस रॉक के साथ अच्छे से चिपक जाएगा, क्योंकि रूट तो सेटल हो चुके हैं जितने भी हैं वो। एक मेरा जो ज़मीन में ग्रो हो रहा है उसमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, मैंने पिछले सीजन में उसको बिल्कुल भी नहीं ट्रिमिंग किया था और उसको बढ़ने दिया तो उसने रॉक को इतनी अच्छे से जकड़ लिया है कि पूछो मत। उसको मैंने इस साल में कुछ एलाइंग करके अलग किया है और कुछ अलग भी किया है, वो सब अपडेट जैसे टाइम मिलेगा मैं दे दूंगा, मगर इस बार इसका कोई ट्रिमिंग नहीं होगा और ये ऐसे ही 1 साल तक ग्रो होगा। अगर मुझे अच्छा लगा तो ये और भी ज़्यादा ग्रो हो सकता है बिना ट्रिमिंग किए हुए। तो चलिए मिलते हैं उसका अपडेट के साथ, यानी 1 साल बाद।